नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। चलिए तेजी से एक नजर डालते हैं देश विदेश के सुर्खियों पर। देश भर में विजयदशमी की धूम, चलने लगे रावण के पुतले, दिल्ली की रामलीला में शामिल हुए पीएम मोदी। एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मार कर हत्या, दो लोग गिरफ्तार। बाबा सिद्दीकी घड़ी सुधारने का काम करते थे, राजनीति की शुरुआत छात्र नेता के तौर पर की, तीन बार विधायक रहे, इसी साल कांग्रेस छोड़ी। बाबा सिद्दीकी की खबर सुन, रात 3 बजे अस्पताल दौड़ पड़े सलमान, गुस्से से तमतमा रहा था चेहरा। शाम 7 बजे होगी बाबा सिद्दीकी के नमाज़े जनाजा की रस्म। आरोपी पिछले 25 से 30 दिनों से कर रहे थे इलाके की देखी, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में क्राइम ब्रांच का दावा। गिरफ्तार दोनों आरोपियों के नाम आए सामने, करनैल सिंह हरियाणा और धर्मराज कश्यप यूपी के तौर पर हुई पहचान। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर के बाहर किए गए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। इनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक कर रहे हैं बाबा सिद्दीकी के हमलावरों से पूछताछ। दशहरा समारोह में शामिल होने के लिए नवश्री धार्मिक लीला समिति लाल किला पहुंचे सोनिया गांधी और राहुल। लोकसभा उपचुनाव को लेकर आज दिल्ली में बड़ी बैठक, शाह नड्डा समेत सीएम योगी भी होंगे शामिल। दिल्ली के नरीला में एनकाउंटर, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर मधुर उर्फ आयान को गोली लगी। गुजरात में दीवार गिरने से अब तक 8 की मौत, पीएम मोदी ने जताया दुख, मुआवजे की घोषणा। 17 अक्टूबर को नायब सिंह सैनी हरियाणा के सीएम पद की लेंगे शपथ। इकबाल मूसा जैसा आतंकी इनकी रैलियों में नजर आता है, सीएम शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। उद्धव ठाकरे ने भाजपा और एकनाथ शिंदे पर साधा निशाना, बोले इनको गाड़ कर भगवा फहराऊंगा। बिहार के छपरा जिले में एक हाथी के बेकाबू हो जाने का मामला सामने आया है। यहां दशहरा मेले के दौरान ये घटना हुई, इस दौरान हाथी ने एक व्यक्ति को मार डाला। इसके अलावा कई गाड़ियों में भी हाथी ने तोड़फोड़ की। गाजा में इजरायली हमले में 19 लोगों की मौत। आलिया भट्ट ने खरीदी जिगरा की 2 करोड़ रुपए की टिकटें, बॉलीवुड एक्टर का सोशल मीडिया पर दावा। महाराज के सीएम एकनाथ शिंदे का शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि इनके बाल हट की वजह से मेट्रो 3 की परियोजनाओं में विलंब हो गया। पाकिस्तानी खिलाड़ी स्वार्थी हैं, कामराना अकमल का बड़ा आरोप, खिलाड़ी पहले अपने फिर टीम के बारे में सोचते हैं। मासपा गुप्ता और सत्यदीप मिश्रा बने मम्मी पापा कपल के घर, आई नन्ही परी, फोटो शेयर कर कहा खास दिन पर आई है। 69 वर्षीय चिरंजीवी की धमाकेदार एक्शन मूवी विश्वाम्बरा की पहली झलक आई सामने, फ्रांस बोले कल की 2898 AD से टक्कर। दिल्ली में फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी, अभिनेता अजय देवगन और अभिनेत्री करीना कपूर खान लव कुश रामलीला समिति के विजयदशमी समारोह में शामिल हुए और रावण का पुतला दहन किया। लेबनान से इसराइल में घुस रहे थे हिजबुल्लाह के 2 ड्रोन, IDF ने मार गिराया। एक्सप्रेस में इस वक्त के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी अन्य समाचारों में। देश विदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल 24/7। धन्यवाद।